नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। अवैध खनन को लेकर उमा भारती के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हम तो कई सालों से कह रहे हैं लेकिन हमारी बात पर विश्वास कोई नहीं करता। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हमारी बात को प्रमाणित कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि बिना रॉयल्टी के रेत माफिया और बीजेपी के नेता करोड़ों की लूट कर रहे हैं। डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग के अधिकारी पर अधीनस्थ कर्मचारी को जाति सूचक अपशब्द कहे जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने अधिकारी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिवपुरी के कोलावस थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एटीएम को बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़का। इसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काट कर लाखों रुपए उड़ा ले गए। वहीं एटीएम से 8,40,000 की लूट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। शिवपुरी के जनसंपर्क कार्यालय में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें नगर पालिका के पंप ऑपरेटरों ने वेतन बढ़ाए जाने और समय से भुगतान किए जाने की मांग की है। पंप अटेंडरों का कहना है कि नगर पालिका में 65 पंप अटेंडरों ने वेतन बढ़ाए जाने के संबंध में श्रम न्यायालय में केस दायर किया है। कोर्ट के फैसले के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। भोपाल से चली युवाओं की साइकिल रैली, नर्मदापुरम के पिपरिया पहुंची। साइकिल रैली के जरिए युवाओं के अग्निपथ स्कीम की जानकारी दी जा रही है। साइकिल रैली के जरिए 594 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है, जहां अग्निपथ परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके परीक्षा में सफल हो सके। उज्जैन में 19 साल बाद कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की गई, जहां करीब 2.25 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जमीन मालिक ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। इस जमीन पर कई लोगों ने अपने आशियाने भी बनवा लिए थे। उमरिया को एक जिला एक उत्पाद के तहत महुआ उत्पाद के लिए चुना गया है। पिछले साल महुआ उत्पाद से विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आय अर्जित की थी। जानकारी के मुताबिक उचित गुणवत्ता के साथ संग्रहित किया गया उमरिया जिले का महुआ इस बार लंदन भेजा जाएगा। डिंडोरी में कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अजीबोगरीब सफाई एक बार फिर से सामने आई है। उन्होंने दोबारा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस विधायक को बदमाश कहा। गौरतलब है कि एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे फग्गन सिंह कुलस्ते। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें माई भारत न्यूज।